दोस्तों विंडोज 10 में आप मल्टीटास्किंग कैसे कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब डिफरेंट जो आप विंडो ओपन करते हैं या कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं उसको एक ही स्क्रीन में आप कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि एक स्क्रीन हमारी ये है, उसके बाद एक ये है आप देख रहे हैं, उसके बाद एक ये देख रहे हैं आप, तो ये चार स्क्रीन ओपन हैं। आजकल चूंकि बड़े बड़े मॉनिटर्स आ गए हैं तो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत सारी एक विंडोज को एक साथ ओपन करके उसमें यूज करते रहते हैं। आप चाहे तो इनको रिसाइज करके इनके साइज में भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ये फोर्थ कॉर्नर इसका ले लिए, फोर्थ कॉर्नर में ये वाला डाल दिया आपने और कॉर्नर में ये डाल दिया आपने, तो इस तरह से आप जो है सारी की सारी विंडो एक साथ एक ही स्क्रीन में ओपन करके इसमें काम कर सकते हैं। तो ये चीज कैसे करते हैं दोस्तों विंडोज 10 में, मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी सेटिंग में जाना है। ये सेटिंग जैसे ऑप्शन आ गया, यहां पर आपको सेटिंग माने बाद सिस्टम्स दिखेगा। अगर आपको सिस्टम्स या समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है, तो आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग लिख दीजिए तो वहीं पे आप पहुंच जाएंगे। तो मैंने सिस्टम्स में क्लिक कर दिया। सिस्टम्स में यहाँ पर नीचे मल्टीटास्किंग का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर वाली आपकी जो सेटिंग्स हैं, ये स्नैप विंडोज जहाँ लिखा हुआ है इसको आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद ये तीनों भी आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा है, ड्रैग विंडोज टू साइड्स आर कॉर्नर, मतलब कि जो विंडो आप अलग स्क्रीन में डालना, जैसे मान लिया कि आपने एक ही ब्राउजर में बहुत सारे टैब्स ओपन कर रखे हैं और उन टैब्स को आप एक एक करके देखते हैं, तो आप चाह रहे हैं कि इसको डिफरेंट अपनी स्क्रीन के चारों कॉर्नर में चारों चारों टैब्स को लगा दें, तो आपको ये करना होगा उस टैब को ड्रैग करके किसी जिस साइड में आप करना चाहते हैं उस साइड में से, ये कॉर्नर है तो इस कॉर्नर की तरफ आपको ड्रैग कर देना है, नीचे ले जाना तो नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, तो इस तरह से वो ऑटोमेटिकली साइज हो जाएंगे और वहीं पे वो फिट हो जाएंगी। उसके बाद ये आप देख लीजिए, इनेबल फेन आई स्नैप विंडो ऑटोमेटिकली साइज टू फिट अवेलेबल स्पेस, फेन आई स्नैप विंडो सो दैट आई कैन स्नैप नेक्स्ट टू इट, फेन आई रिसाइज द स्नैप विंडो साइमल्टेनियसली रिसाइज एनी एडिशनल स्नैप विंडो। तो ये सारी चीजें आप इसको इनेबल रखिए तो आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये आप कैसे करते हैं, ये सारी चीजें एक एक करके आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं, ये एप्लीकेशन आपको लाइव दिखाते हैं कि किस तरह से होता है। इसको क्लोज कर देते हैं, ये सब भी एक एक करके हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं, और हम शुरू करते हैं शुरू से। जैसे ही हमने ओपन कर लिया है और अभी ये एक एक ओपन हो गया, उसके बाद मान लिया हम इसको दूसरी टैब में हमने ओपन कर लिया, इसको दूसरी टैब में ओपन कर लिया और ये चार ये टैब हमने ओपन कर लिए। अब चार टैब को चार कॉर्नर में लगाने, तो आपको क्या करने वाली, इस टैब को आपको नीचे ले जाना है, तो आप इसको क्लिक करके इसको इधर ड्रैग कर दीजिए, तो आप देख रहे होंगे वहां से वो हट चुका है। अब ये एक टैब को मान लिया ऊपर आपको ले जाना है, तो ये यहाँ पे आपका चला गया, ये चला गया, ठीक है। अब इस टैब को नीचे लाना है, तो ये टैब आपका नीचे आ गया, देखिए ये नीचे आ गया। अब आपको ये सारे, ये जैसे आपको इसको रिसाइज कर सकते हैं, आप जैसे चाहें आप इसको रख सकते हैं, जैसे ये है आप इसको रिसाइज कर लीजिए और चारे विंडोज को आप इस तरह से रख लीजिए, और ये जैसे आपका ये है, ये वाली विंडो है, तो इसको भी आप इसको ऊपर कर लीजिए, इस विंडो को भी आप ऊपर कर लीजिए, इस विंडो को आप ऊपर कर लीजिए, इस विंडो को आप ऐसे ऊपर कर लीजिए। अब इन विंडोज में जो आप काम करना चाहें, ये मल्टीटास्किंग हो गया, आप इस विंडो में जाना चाहते हैं इस विंडो में चले गए, इस विंडो में जाना चाहते हैं इसमें चले गए, इसमें चले गए, आपको यहाँ काम करना है तो आप यहाँ काम करने लगिए, और उसके बाद यहाँ काम करने लगना है तो आप यहाँ काम करने लगिए। तो ये मल्टीटास्किंग का ये विंडोज 10 विंडोज 7 में ये फीचर दिया हुआ है, आप इन फीचर्स को इस्तेमाल करके मल्टीटास्किंग का काम इस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारी स्क्रीन को आप अपने एक ही स्क्रीन में, लैपटॉप या आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसमें ओपन करके इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। तो दोस्तों यही बताना था आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी आपके काम की रही होगी और आप इसका यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।